संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के विरोध में अब केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के कई नेता भी शामिल हो गए हैं। जहां करणी सेना फिल्म से जुड़े कलाकारों को धमकी दे रही है, वहीं केंद्रीय मंत्रियों में इन्हें नसीहत देने का दौर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। करनी सेना के विरोध प्रदर्शन और संजय लीला भंसाली को सर काटने और दीपिका पादुकोण को नाक काटने की धमकी देने के बाद फिल्म के विरोध में अब बीजेपी के बड़े नेताओं ने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विवाद को हवा देते हुए कहा है कि लोगों का नाराज होना बनता है। बीजेपी की बड़ी नेता और केंद्र में मंत्री उमा भारती ने इस विवाद पर कुल 8 ट्वीट कर भंसाली को नसीहत दी है कि पद्मावती फिल्म में लोगों की भावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म की रिलीज फिलहाल टाल दी जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को खतरा है। जब फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने यह कहा कि दकियानूसी सोच भारत को पीछे ले जा रही है, तो बीजेपी के एक और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी दीपिका पर भड़क गए। आपको बता दें कि भंसाली कई बार सफाई दे चुके हैं कि ये फिल्म अवध के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से प्रेरित है और इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। रानी पद्मावती का पहला जिक्र पद्मावत में मिलता है, जिसे जायसी ने खिलजी की मौत के 224 साल बाद 1540 में लिखा था। ये फिल्म तकरीबन 180 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।